तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में ही को देखते हैं जहाँ पर उसके पास ज्वेलिंग आता है और वो वहाँ पर आकर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये छोटा सा छचुंदर लियान आज यहाँ पर हमारे साथ आकर फाइट करेगा। तो ये सुनकर वहाँ पर ही कहता है, ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम यहाँ पर इतने कमजोर नहीं होते तो आज वो हमारे साथ इस मैच में नहीं होता। मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उससे अपना बदला कैसे लेते हो। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर अपनी अपनी मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहाँ पर उस मैच की पूरी तैयारियाँ हो गई होती हैं और सभी लोग वहाँ पर उस मैच के लिए बिल्कुल ही एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर मैच के नियम बता रहा होता है। उस मैच के नियम ये होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों को 10 कार्ड दिए जाएंगे और वहाँ पर बाकी स्टूडेंट को उनसे वो कार्ड छीनने होंगे। साथ ही उन्हें हर 5 मिनट में एक एक कार्ड की लोकेशन दी जाएगी और यहाँ पर मैच के अंत में जिसके पास भी ये 10 कार्ड बचे वो यहाँ पर जीतेंगे और यहाँ पर वो सभी लोग हमारे स्कूल की तरफ से अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम वहाँ पर लियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए होता है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर अपनी मैच के लिए अपनी एनर्जी को बचाकर रखना चाहिए। तो वहाँ पर लियान कहता है, यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मैच स्टार्ट हो जाती है और हम वहाँ पर आयरन मिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर डर की वजह से वहाँ से भाग रहा होता है। और आयरन मिस्ट यहाँ पर कितना बड़ा डरपोक है ये तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था। वो वहाँ पर इसलिए डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास भी एक कार्ड होता है और वो एक जगह पर छिपने के लिए जाता है, मगर वो वहाँ पर छिप नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो वहाँ पर जैसे तैसे करके फिट आ जाता है। वो वहाँ पर बचने के लिए प्रेयर भी कर रहा होता है, मगर अचानक से उसके पास जेवलिंग आ जाता है और वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस लिए छुपे हो, क्या कार्ड तुम्हारे पास है? तो वहाँ पर आयरन मिस्ट कहता है, ये कार्ड तो मैं तुम्हें ही देने के लिए आ रहा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, ये लो अपना कार्ड। तो वहाँ पर जेवलिंग जैसे ही उस कार्ड को लेता है तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जेवलिंग के ऊपर हमला करते हैं। तो जेवलिंग वहाँ पर अपनी ताकत का यूज कर वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। तो जेवलिंग वहाँ पर आयरन मिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तो आयरन मिस्ट वहाँ पर जेवलिंग को देख कर कहता है, तुमने यहाँ पर मेरा कार्ड तो ले लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वहाँ पर जेवलिंग कहता है, मुझे अभी भी तुमसे कई सारे काम हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद हम वहाँ पर उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर जेवलिंग की तारीफें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर वहाँ पर बैठे हुए एल्डर को जेवलिंग इतना भी खास नहीं लगता और वो कहते हैं, इसकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मगर उन पावर्स को वेस्ट करता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है। उसके बाद हम वहाँ पर जेवलिंग को देखते हैं जहाँ पर जेवलिंग आयरन मिस्ट को ऑर्डर देता है लियान को ढूंढ के लाने का। तो वहाँ पर आयरन मिस्ट सोचता है, अगर मैं उसे लेने के लिए गया और उसने अगर मेरी हड्डियाँ तोड़ दी तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? तो वहाँ पर आयरन मिस्ट उसे ना बोलने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर जेवलिंग की इतनी सारी गुस्सा देखकर वो उसे ना भी नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पर अचानक से 2 स्टूडेंट आते हैं और वहाँ पर जेवलिंग से कहते हैं, तुम ये कार्ड हमें दे दो तो हम यहाँ पर तुम्हें बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से जाने देंगे। तो वहाँ पर जेवलिंग उन्हें वो कार्ड देने से मना कर देता है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जेवलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो जेवलिंग वहाँ पर उस अटैक से बचने के लिए आयरन मिस्ट को अपने सामने लगा देता है, जिस वजह से वो अटैक आयरन मिस्ट के ऊपर हो जाता है। तो जेवलिंग वहाँ पर अचानक से अपनी स्पीड का यूज कर उस स्टूडेंट के ऊपर वार पे वार करने लगता है और वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ही मारता है और अंत में वहाँ पर जेवलिंग उसे नीचे पटक देता है, जिस वजह से उसकी कई सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं और वहाँ पर चलने लायक नहीं रहता। तो वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट कहता है, तुम सिर्फ एक कार्ड के लिए यहाँ पर किसी को भी इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो? तो जेवलिंग वहाँ पर उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वहाँ से सीधा चला जाता है। तो वहाँ पर वो एल्डर कहते हैं, सचमुच में आजकल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही मतलबी हो गए हैं, वो सिर्फ जीतने के लिए किसी को भी अपनी ढाल बना सकते हैं, चाहे फिर वो उनके खुद के टीममेट्स ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर ही के डैड बोलते हैं, आपको इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक नॉर्मल सी मैच है। उसके बाद हम वहाँ पर बाकी स्टूडेंट की फाइट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन कार्डों के लिए फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन लोगों की इस फाइट को कई सारे लोग बैठकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर ही का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि कब लियान इस मैच के अंदर आएगा और साथ ही में उसे वहाँ पर सभी गेस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। और वहाँ पर वो एल्डर भी ही की इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने ही के बारे में कई सारी बातें सुनी हुई होती हैं। इसके बाद हम वहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर बड़ी मेहनत से एक स्टूडेंट से अपने लिए कार्ड छीनता है, मगर वो कार्ड उसके पास ज्यादा समय तक नहीं रह पाता क्योंकि तभी वहाँ पर अचानक से ही आ जाता है। उस स्टूडेंट की तो ही से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती, मगर ही उसे बड़ी ही आसानी से वहाँ पर हरा देता है और वो वहाँ पर जाकर उसे वो कार्ड ले लेता है, मगर ही वहाँ पर नहीं रुकता क्योंकि वहाँ पर उसे सबकी नजरों में आना था, इसीलिए वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर बाकी स्टूडेंट को हराने लगता है और वो उन सभी से अपने लिए वो कार्ड छीनने लगता है। और वहाँ पर मास्टर सन भी इस मैच को देख रहे होते हैं, वहाँ पर कहते हैं, इस लड़के ने तो इस मैच को सचमुच में सर्कस बना कर रखा हुआ है और साथ ही में अपने पिता की तरह एरोगेंट भी है।
तभी हम आप एलियन को देखते हैं जहाँ पर उसे एक्सरसाइज करते करते भूख लग जाती है और वो मास्टर सन से कहता है कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं ठीक है, मगर तुम यहाँ पर मैच के अंदर टाइम से चले जाना। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ की क्लास वाले स्टूडेंट वहाँ पर बचे हुए स्टूडेंट से वहाँ पर कार्ड छीन रहे होते हैं। वो लोगों ने वहाँ पर बड़ी आसानी से हरा कर उनसे उनका कार्ड ले लेते हैं। और तभी वहाँ पर ही आता है, वहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं आता कि तुम लोग इन कमजोर स्टूडेंट से यहाँ पर कार्ड छीन रहे हो। उसके बाद वहाँ पर ही अपने सभी कार्ड दिखाकर उन सबको धमकी देते हुए कहता है अगर तुम तीनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाए तो मैं सभी कार्ड तुम्हें दे दूंगा जिससे कि तुम आपस में बांट सकते हो। तो ये सुनकर वो तीनों जन वहाँ पर ही के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, मगर ही की पावर्स के सामने उनके अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर जैसे तैसे कर ही को एक बार पकड़ लेते हैं, मगर ही की पावर्स के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। वो लोग वहाँ पर ही की पावर्स के सामने बिल्कुल ही कमजोर लग रहे होते हैं। वो तीनों जन वहाँ पर ही की इतनी पावर्स को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और उसी समय वहाँ पर सैव को देखते हैं जहाँ पर वो भी एक बंदी से फाइट कर रही होती है। वहाँ पर सैव की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा जोरदार होती हैं। तो सैव वहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उस बंदे को वहीं पे बड़ी आसानी से हरा देती है और उसे वो कार्ड ले लेती है। उसके बाद हम वहाँ पर उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही से मार खाकर एक जगह पर आए हुए होते हैं, मगर ही उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और ही उनके पास आ जाता है। वहाँ पर ही को देखकर वो लोग डर गए होते हैं। ही यहाँ पर उन्हें कुछ काम बताने के लिए आया हुआ होता है, मगर सैव वहाँ पर उनकी इन सभी बातों को सुन रही होती है। फाइनली यहाँ पर मेरा इंतजार खत्म हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर लियन की फाइट दिखाई जाएगी। वहाँ पर मेरी तरह ही लियन को देखकर सभी लोग चौंक गए होते हैं क्योंकि एक तो एक लियन वहाँ पर मैच में लेट से आया है और साथ ही वो वहाँ पर बड़े ही मजे से खाना खाते हुए एंजॉय कर रहा है। तो ये सब कुछ देखकर उस एल्डर को भी आश्चर्य होता है। तभी वो प्रिंसिपल बताता है कि ये एक लौता स्टूडेंट है जो कि हमारी ऑर्डिनरी क्लास से यहाँ इस मैच में क्वालिफाई हुआ है। उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि कहीं लियन वहाँ पर उसकी बेइज्जती ना करा दे। इसी के साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन के सामने जेवलिंग आ गया होता है। उन दोनों की इस मैच को बहुत से लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं, उनमें से ही का दोस्त भी होता है, साथ ही वहाँ पर मास्टर सन भी उसकी मैच देख रहे होते हैं। तो जेवलिंग उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है देखना आज मैं अपने सारे पुराने हिसाब किताब तुमसे क्लियर करके जाऊंगा। तो लियन भी वहाँ पर फुल एटीट्यूड में आकर कहता है अच्छा हुआ कि तुम ये कार्ड मुझे गिफ्ट में देने के लिए लाए हो, वरना मैं इस कार्ड को लेने के लिए कहाँ कहाँ भटकता। तो ये सुनकर जेवलिंग लियन के ऊपर अटैक कर देता है और लियन उसके अटैक से बड़ी आसानी से डॉच कर रहा होता है। और साथ ही में जेवलिंग उसे कह रहा होता है मैं तुम जैसे कचड़े को इस जगह से जल्दी फेंक दूंगा। लियन उसकी इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मैच पर ध्यान दे रहा होता है, वो उसे हवा में उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। लियन उसे बड़ी ही आसानी से वहाँ पर हरा देता है। वहाँ पर लियन की इतनी सारी स्किल्स को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर एल्डर को लियन की ये सभी टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही पसंद आती हैं। वहाँ पर उन्हें लगता ही नहीं है कि ये एक ऑर्डिनरी क्लास का स्टूडेंट है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन का कार्ड वहाँ पर किसी ने ले लिया होता है और वो लेने वाले वही स्टूडेंट होते हैं जो कि इसे मार खाकर आए थे। तो वहाँ पर जेवलिंग कहता है ये हमारी की क्लास के टॉप स्टूडेंट है, अगर तुम में हिम्मत है तो अब इनसे कार्ड लेके दिखाओ। और जेवलिंग वहाँ से खुद भाग जाता है। अब वहाँ पर एक के सामने तीन हो गए होते हैं और सभी लोग वहाँ पर उस फाइट को देख रहे होते हैं। वहाँ पर लियन उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है, मगर वो तो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। वहाँ पर इस मैच को खत्म होने के लिए सिर्फ 7 मिनट का टाइम बचा हुआ था। वहाँ पर वो लोग लियन को कार्ड देने से साफ साफ मना कर देते हैं और वहाँ पर कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर तुम ये कार्ड हमसे ले लो। और फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। उन लोग की स्पीड ज्यादा होने की वजह से लियन उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और साथ में वो लोग दो होते हैं इसलिए वो लियन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। वहाँ पर उन दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा ही होती है, इसीलिए वहाँ पर लियन थोड़ा सा घायल हो गया होता है, इसलिए लियन उन सभी से थोड़ी देर के लिए फाइट रोकने के लिए कहता है। और फिर लियन एक जगह पर जाकर अपना सूट उतार देता है और उन सभी से कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही हिम्मत है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रियल फाइट करूंगा। इसके साथ हम वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं अभी लड़का किसी को नहीं छोड़ेगा। तो बस यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।